नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लद्दाख में भारत और चीन के जवान आमने सामने, हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद। विवाद के बाद भारत ने जारी किया सभी चौकियों पर हाई अलर्ट। वहीं तनाव को लेकर रक्षा मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 82 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 4,45,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। वहीं 43 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना का कोहराम जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,54,000 तो अब तक 11,903 संक्रमितों ने गंवाई जान। वहीं 1,86,000 से ज्यादा हुए इलाज के बाद स्वस्थ। पीएम मोदी आज फिर करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से संवाद, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर होगी चर्चा। ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार, तो वहीं सीएम गहलोत भी रखेंगे अपना पक्ष। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण, कांग्रेस बीजेपी का आज प्रशिक्षण शिविर, दोनों पार्टी मतदान करने को लेकर अपने विधायकों को दे रही ट्रेनिंग।